एक बार एक लोमड़ी अपना रास्ता भटक गया और एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। धूप सर पे था तो बेचारा चलते चलते थक गया। इतने में उसे एक कुआं दिखा। लोमड़ी कुएं के पास पहुंचा और उसमें झांक के देखा। आहा, इसमें तो पानी है, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, पर कुआं इतना गहरा है, मैं कैसे पानी पीऊं? वो सोच रहा था कि इतने में उसका पैर फिसला और वो पानी में जा गिरा। फिर लोमड़ी ने पानी पी। अरे वाह, ये पानी तो बहुत मीठा है, मेरी प्यास तो बुझी, पर अब मैं बाहर निकलूं कैसे? ये कुआं तो बहुत गहरा है, बचाओ, कोई है तो मुझे बचाओ। वो चिल्लाने लगा। वहां से एक बकरी गुजर रही थी। बचाओ, कोई है तो मुझे बचाओ। उसने लोमड़ी की आवाज सुनी और कुएं तक पहुंच गई। उसने कुएं में झांक के देखा। दोस्त, तुम अंदर क्या कर रहे हो? तुम कुएं में गिरे कैसे? उसने पूछा। तब लोमड़ी को एक उपाय सूझा। उसने कहा, बाहर कितनी धूप है और ये पानी कितनी शीतल और मीठी है, तुम भी अंदर आ जाओ और पानी पी लो। तब बकरी ने कहा, तुम बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहे थे? लोमड़ी ने कहा, मैं तो बचाओ बचाओ नहीं चिल्ला रहा था, मैं तो बोल रहा था कोई आओ ये ठंडी पानी पी लो पी लो, तुमने शायद गलत सुना होगा। तब बकरी कुछ भी सोचे समझे बगैर सीधा कुएं में कूद गई। फिर बकरी ने पानी पिया और बोली, तुम सच कहते हो मेरे दोस्त, पानी तो बहुत ही मीठा है, पर अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? तब लोमड़ी ने कहा, मेरे पास एक उपाय है, तुम अगर दीवार के पास खड़े होगे, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर ऊपर तक कूद जाऊंगा और कुएं से बाहर निकल जाऊंगा। बकरी ने कहा, ठीक है, और खड़ी हो गई। लोमड़ी बकरी पर चढ़ गया और एक छलांग मारकर कुएं से बाहर निकल गया। तब बकरी ने कहा, दोस्त, अब मेरा क्या होगा, मुझे कौन बाहर निकालेगा, तुमने तो कहा था उपाय है। तब लोमड़ी ने कहा, मैंने उपाय निकाला था खुद को बाहर निकालने के लिए, तुम्हें बाहर निकालने के लिए नहीं, तुम भी खुद के लिए उपाय सोचो और बाहर निकलो। ये कहकर लोमड़ी वहाँ से चला गया। इसलिए बच्चों, कोई भी काम करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए, नहीं तो हम बुरे फंस सकते हैं।